आगे फिर नेक्स्ट है हमारे पास पिताजी। हाँ, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट जो बताई है वो ये है कि तक्र का रोल बहुत अच्छा बताया हुआ, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तक्र का रोल, तक्र को बहुत अच्छा बताया इसमें गृहिणी में। तक्र रोग में, गृहिणी रोग में तक्र का प्रयोग जो है, अब तक्र क्या है, तक्र के गुण क्या है, तक्र यानी झाज होती है, झाज पता होगा ना आपको सबको। तो तक्र जो है वो एक तो दीपन जी है, हाँ एक तो ये दीपन है, एक ये ग्राही है। ग्राही मतलब संग्रहण करने वाली, मतलब उसको रोकने वाली, बार बार मल को जो है वो रोकने वाली है। और लघु होने है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। लघु होने से तक्र ग्रहणी रोग में उत्तम काम करने वाला होता है, सबसे बेस्ट जो माना है वो तक्र को माना है, इससे बनती है एक और तक्रारिष्ट जो है वो भी बनता है। यद्यपि अब देखो उसके अवगुण भी बता रहा है कि क्या है तक्र के, फिर भी वो सही है। कहता है यद्यपि तक्र जो है वो अम्ल होता है, उसे पित्त को प्रकोपित करना चाहिए, ठीक है, पर वह मधुर विपाक वाला होता है, अतः पित्त को कुपित नहीं करता है, ठीक है ना। वैसे ये कहता है क्या है, रस इसका अमल है, ये तो पित्त को प्रकोपित करेगा, लेकिन क्योंकि अगर ये आप ताजा लोगे, ये भी बात आगे उन्होंने बताई कि ताजा अगर लोगे आप तक, तो इसका विपाक जो है वो मधुर है, तो अगर ये विपाक मधुर है तो ये पित्त को कुपित नहीं करता। फिर कहता है यद्यपि तक्र अभिशंदी होता है, अगर मीठा होगा तक्र, ठीक है, तो वो अभिशंद होगा। अगर दही से बनता है मट्ठा पतला करके तो वो अभिशंदी भी हो सकता है, लेकिन विरोधाभास बातें कर रहा है। यद्यपि अभिशंदी होता है इसलिए उसे कफ को बढ़ाना चाहिए, पर कषाय उष्ण विकासी और रूक्ष होने से कफ की विकृति में भी हितकारी होता है। तो इसके जो गुण और बताए हैं वो कौन कौन से इसके गुण हैं, ये कषाय रस प्रधान है, मतलब कषाय होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है, ठीक है, रूक्ष होता है, ठीक है, इन इन गुणों के कारण कफ की विकृति में भी हितकारी होता है, ठीक है ना। तीसरी बात इन्होंने बताई है, यद्यपि कषाय और रूक्ष गुण होने से तक्र को वायु की वृद्धि करनी चाहिए, पर वह स्वाद यानी मधुर है, स्वभाव में मधुर है, अमल और सांद्र होने से, ये गुणों की बात कर रहा है, सांद्र होने के कारण वात विकृति में भी हितकर होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि इसमें जो विरोधाभास गुण है तक्र में, कई विरोधाभास गुण भी हैं, तो आपको ये लगेगा कि यार अगर मैं इसको दूं ये खट्टा है तो ये नुकसान ना करे, अमल रस प्रधान है तो ये नुकसान ना करे, ठीक है, अब अभिशंदी है तो ये नुकसान ना करे। ये चरक जी ने इसलिए बताई बात कि आप इसको ऐसे मत समझे, ये कार्य कैसे कर रहा है, ये इन गुणों के कारण कार्य कर रहा है। और आगे इन्होंने लिखा भी है कि इसको जो है वो आपने ताजा लेना, सद्य बनाया गया। हाँ देखो अगला वर्ड यूज कर रहे हैं, सद्य बनाया गया तक्र सेवन करने से शरीर में दाह भी नहीं उत्पन्न करता, उदर रोग में, चाहे वो उदर रोग हैं, अर्श रोग हैं, जिन जिन तक्र प्रयोगों का विधान है उन सभी तक्र प्रयोगों की ग्रहणी रोग में देना चाहिए। मतलब अर्श रोगों में भी इसका बताया हुआ है, उदर रोगों में भी बताया हुआ है, किसी का पेट वैसे खराब है तो आप तक्र का प्रयोग जो है वो कर सकते हो, जो सद्य बना हुआ तक्र, सद्य यानी कि जो ताजा ताजा होगा उसमें ये जो मैंने आपको गुण बताए हैं वो होंगे, और वो प्रोटेक्ट भी करेगा, पित्त को प्रकोपित नहीं होने देगा, अभिशंदी होने ही होगा, ठीक है, कफ को जो है बढ़ाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, आ रही है ना। तो इन गुणों के कारण, दोबारा से रिपीट कर दूं एक बार जी, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये दीपन है, ग्राही है और लघु है, ठीक है, इन तीनों के कारण
ये सबसे ज्यादा सातमय है अर्श रोगों में, ग्रहणी रोग में, उदर रोगों में। फिर कहता है कि ये अम्ल होता है, खट्टा होता है पीने में, जब भी हम पीते हैं तकर तो थोड़ा सा खट्टा लिए होता है, तो कहता है ये पित्त को बढ़ा सकता है लेकिन ये पित्त को नहीं बढ़ाता। क्यों क्यों नहीं बढ़ाता? ये अपने मधुर विपाक के कारण, जो सद्य बना हो, सद्य यानी फ्रेश बना हो। दूसरा इन्होंने बताया कि ये अभिशंधी है, ठीक है, हैवी है, ठीक है ना, लेकिन सद्य जो बना होगा वो हैवी नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये कफ को बढ़ाए ना, लेकिन कौन से गुण है इसमें? जैसे कफ को नहीं, कषाय गुण, उष्ण है, विकासी है और रूक्ष है, ठीक है ना। व्यवाय विकासी मैंने आपको बताए थे ना, दो गुण जो विष में होते हैं, विष में व्यवाय और विकासी होते हैं, ठीक है, विवाय और। नमस्कार दोस्तों, पढ़ाए हुए यहाँ हर एक बातों को आपने जरूर नोट किया होगा। इसी तरह के विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा विधि को अगर आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आकर के सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट को नोट करिएगा www.ayushyogi.com। इसमें जाइए, जाकर के लॉग इन कीजिएगा, सबमिट करिए किसी क्लास को, उसके बाद आपको वहां से हर रोज हमारे इस क्लास का लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा। गूगल मीट का आप रोज रात के 8 से लेकर के 10 बजे तक होने वाली नाड़ी परीक्षण और प्रैक्टिकल आयुर्वेदा इस दो क्लास को आप प्राप्त करें और एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक बनकर के अपने समाज में आयुर्वेद और समाज के लोगों का सेवा करें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये प्रोसेस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोग जो आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वहां तक भी मैसेज पहुंचाने के लिए जरूर आप इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज दीजिए विदा, नमस्कार।